हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 सितंबर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में, चाहे वो SSC हो, TSSB हो, UPSC हो और जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो है सभी तरह के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक बन चुका है। तो इसलिए हम अपडेट जितनी भी डेली के अपडेट डेट्स जो होती हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, हम आपको डेली अपडेट्स कराते रहते हैं। तो आज भी हम आपको डेली अपडेट्स कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का भी आपकी फ्रेंडों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 8 सितंबर को प्रसिद्ध डैश राम जेठमलानी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देखिए, बताते हैं, जो राम जेठमलानी थे वो प्रसिद्ध वकील थे, और वो प्रसिद्ध वकील और साथ में ही राजनेता भी रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बता दें, जो जेठमलानी है वो वर्तमान में RJD के, किसके, RJD के, ये भी राज्यसभा सांसद भी थे। ठीक है, और बता रहे हैं ये 1996 से लेकर के 1999 तक, 1996 से लेकर के 99 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार कानून मंत्री भी रह चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है, 2 बार ये राम जेठमलानी कानून मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया 8 सितंबर को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक देख सकते हैं आप, ये राम जेठमलानी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सितंबर 2019 में किस राज्य के पहले फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में फूड पार्क का उद्घाटन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो देखिए, जो पहला वो फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, क्या गया, तेलंगाना में। बताते हैं आपको, ये फूड पार्क है तेलंगाना के निजामाबाद जिले में, जो लक्कमपल्ली गांव है उसी में स्थित है, और वहीं पे इसका फूड पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें जो फूड पार्क है, इसका उद्घाटन जो हमारी केंद्रीय खाद्य जो उद्योग मंत्री हैं, केंद्रीय खाद्य और साथ साथ में उद्योग मंत्री, यानी कौन, हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस जो फूड पार्क का है उसी उसका वो किया गया है, उद्घाटन किया गया है उन्हीं के द्वारा। अभी हाल ही में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 5 वर्षों में लिंगानुपात 918 से बढ़कर डैश हो गया है। तो यानी कि जो हमारा लिंगानुपात 5 वर्षों में 918 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 931, यानी कि 931 हो गया है। देखिए बात करें, अभी जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी, उन्हीं के अनुसार ये बताया गया था कि जो 2014 से लेकर 15 में 1,000 पुरुषों के जो मुकाबले जो संख्या थी वो 918 थी, यानी कि 2014 से लेकर 15 में जो लिंगानुपात था यानी कि 1,000 पुरुषों पर 918 जो महिलाएं थी वो बताई गई थी। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी कि आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं, तो जो जो 1,000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या बढ़कर आई है वो आई है 931, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जा रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए देव, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली ऐसी रोज अपडेट्स आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 सितंबर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिकी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता गया है। तो अभी हाल ही में बियांका एंड्रेस्क्यू द्वारा अमेरिका का ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता गया है। देखिए बताते हैं इसके बारे में कि उन्होंने ये खिताब अमेरिका के जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी यानी कौन, सेरेना विलियम्स को हराकर ये जो है अमेरिका ओपन महिला खिताब जीता है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में बता दें, जो बियांका यूएस है, ये ओपन जो यूएस की जो ओपन में सिंगल तो फाइनल हुआ है उसका खिताब जीतने वाली ये कनाडा की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, यानी कि जो बियांका एंड्रेस्कू है ये कनाडा की रहने वाली है, जिन्होंने अभी हाल ही में यूएस ओपन सिंगल्स का फाइनल खिताब जीता है। ठीक है, अब किसको हरा कर जीता है, ये जीता है इन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा करके। आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दिखा देते हैं आपको बियांका ओसाका, सॉरी एंड्रेस्क्यू, ये बियांका एंड्रेस्क्यू है जिन्होंने अभी हाल ही में कनाडा का किताब, कनाडा के लिए किताब जीता, फर्स्ट महिला आई है। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 8 सितंबर को किसकी अध्यक्षता में पूर्वोत्तर परिषद के 78वें सत्र का आयोजन गुवाहाटी में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद के 78वें सत्र का आयोजन अमित शाह की प्रधानता
अमित शाह के आयोजन द्वारा ये किया गया है गुवाहाटी में। देखिए बता दें इस सत्र की जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री यानी अमित शाह करेंगे, और इस सत्र में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं जैसे कि तुम्हारा असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, जितने भी मतलब सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उसका ये उसके बारे में विकास के रिलेटेड जो जितने भी मुद्दे हैं उन पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और जितने भी कार्यक्रम हो सकेंगे ये आयोजित करेंगे। तो ये जो किया जाएगा आयोजन किसके अध्यक्ष में किया जाएगा, अमित शाह के अध्यक्ष में किया जाएगा। अभी वो क्वेश्चन समझ में आएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजय के ताहिल रमानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो जो विजय विजय थी विजय ताहिल रमानी उन्होंने किस राज्य से रिलेटेड अपने जो मुख्य न्यायाधीश पद से इस्तीफा दिया, तो वो दिया मद्रास। देखिए बता दें जो विजय विजय ताहिल रमानी है उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने क्यों, क्योंकि अभी इनकी जो रिटायरमेंट थी वो 2020 में थी, परंतु उन्होंने अब रिसेंटली ही दे दिया। इन्होंने क्यों दिया, इसका कारण यह है कि इन्हें जो है मेघालय जो हाई कोर्ट है उसमें ट्रांसफर किया जा रहा था, तो ये नहीं चाहती थी कि इन्हें वहाँ ट्रांसफर किया जाए, तो इन्होंने इसीलिए हाल ही में भी इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि मद्रास जो है उच्च न्यायालय का तमिलनाडु का न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु का है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए देखिए ये दिखा देते हैं, यही मतलब विजय के ताहिल रमानी हैं उन्होंने अपनी अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गोयल आसियान देशों के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा पर गए हैं, तो किस यात्रा पर गए हैं, वो गए हैं बैंकॉक की। देखिए अभी हाल ही में जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, भी हाल ही में आसियान देशों की आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बैंकॉक गए हैं। और बता दें उन्होंने जो ये गए हैं बताते हैं, इसके अलावा वह 7वें जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझी भागीदारी होगी उसकी मंत्री बैठक में भी ये भाग लेंगे। किसमें, 7वें जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, ठीक है, उसमें भी ये बैठक लेंगे जो कि पूर्वी एशियाई आर्थिक शिखर सम्मेलन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 8 सितंबर को जो है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। और बताते हैं इस दिवस को पहली बार 1967 में, कब, 1967 में जो है मनाया गया था, ताकि लोगों को क्या हो सके कि व्यक्तिगत और सामाजिक और सामुदायिक रूप से जो है साक्षरता के महत्व को समझा जा सके, लोगों को एजुकेटेड किया जा सके। तो इसीलिए ये 1967 में पहली बार बनाया गया और अभी हाल ही में अब तक ये मनाया गया है 8 सितंबर को, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये विश्व साक्षरता दिवस की रिलेटेड टॉपिक डाल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सितंबर 2019 में बीबी बाला भास्कर को किस देश में का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो देखिए बताते हैं कि नॉर्वे का जो है बीबी बाला भास्कर को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए बताते हैं वह यहाँ पर जो राजदूत ये अभी हाल ही में है, यानी कि कृष्ण कुमार, ये उन्हीं का स्थान हाल ही में लेंगे, कौन, बीबी बाला भास्कर, ठीक है। और ये बता दें अगर बात नॉर्वे की हुई है तो यहाँ नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है, वो है ओस्लो, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, ओस्लो यहाँ की राजधानी है। और बात करें यहाँ की मुद्रा की तो नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। और बात करें प्रधानमंत्री की तो यहाँ के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग, ठीक है, अर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में किस राज्य ने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया है, तो अभी हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने जो है यूनेस्को के साथ समझौता किया है, ताकि वहाँ की जो जितनी भी सांस्कृतिक विरासत है उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो बताते हैं जो इस समझौते के तहत क्या होगा कि यूनेस्को जो है राजस्थान की जो राज्य संस्कृति जो विरासत है, यानी कि वहाँ के जितने भी स्थल हैं जो संरक्षण किया गए हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए, तो उनको बढ़ावा किस तरीके से दिया जा सकेगा, वहाँ के जो पर्यटन आएंगे वो उसके बारे में देखेंगे, बढ़ावा मिलेगा लोगों को, ठीक है, और जितने भी कंजर्वेटिव जो वहाँ के क्षेत्र हैं उनको भी वहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, किसके तहत, यूनेस्को के तहत दिया जाएगा, ठीक है। अब बता दें जो यहाँ अगर बात करें कि राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में बता दें कि राजस्थान की हाल ही में जो
मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र भी हाल ही में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल। और राजधानी यहाँ की क्या है? जयपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।